दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर की बात करें तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा कंडक्टर के अंदर वो सेम होगा। प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा ये पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, अंदर जीरो, ये पॉइंट पता है ना। बस हो गया क्वेश्चन। ये जैसे करा है हमें उस तरह नहीं, हम तुम्हें अपने तरीके से। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, जगह नहीं है। अच्छा है, ई बराबर हम क्या जानते हैं, फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डी वी बाई डी आर इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर माइनस माइनस टू द ट्रांसफर का खत्म। ये हो गया तो क्या निकल गया है, डी वी बराबर जीरो। इंटीग्रेट कर दो, वी बराबर जीरो का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो याद तो है, कांस्टेंट होता है जीरो का इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरें। अच्छा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो इनवर्स चीज़ें हैं, पता है कि नहीं ये चीज़। इंटीग्रेशन अगर किसी का, लेट सपोज अगर हम इसको कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, जीरो, और जीरो को इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही, इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं जो आ रहा है उसको फिर डिफरेंशिएट कर दे तो वही आ जाएगा, तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ से प्रूफ हो गया वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इन्होंने भी कुछ लैंग्वेज लिखी है वो हम लोग देख लेते हैं। वी नो दैट द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, फील्ड पोटेंशियल नहीं, वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, देयरफॉर नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। एक चीज ये भी बहुत बढ़िया इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, अगर अंदर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो हमें कोई काम करना पड़ेगा नहीं। पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन। इतने दिन से यही बता रहे, पोटेंशियल इज जस्ट अ एनर्जी, जस्ट अ वर्क। वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो हमें कोई काम करना पड़ेगा, फोर्स लगेगा उस पर, फोर्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि फोर्स का फार्मूला ही होता है क्यू ई, ठीक। फोर्स ही नहीं लग रहा तो वर्क क्या लगेगा, कुछ नहीं, तो वर्क जीरो हो गया तो पोटेंशियल जीरो। ये इनका दूसरे कॉन्सेप्ट से आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत। नोट को जल्दी से लिखो, खाली नोट करिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस इन। ये तो हमको लग रहा उसका है, किसी का है, ये उसका है, सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का वर्क डन ऑन रोटेटिंग डाइपोल, तो वो तो फर्स्ट का है ना, इसमें कहाँ है, तो वर्क ही तो निकालना है। चलो देखो बता देते हैं, तो नीचे आओ, ऊपर कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना डायग्राम बनाते, वैसे ये भी बढ़िया बनाए। देखो देखो इसके बाद यहाँ पे अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही इस तरफ और यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, चार्ज ये वाला कौन सा मान लेते हैं प्लस, और ये वाला चार्ज कौन सा मान लेते हैं माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही तो फोर्स बेटा इधर ही लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा, क्यू ई। माइनस चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यू ई। कोई दिक्कत, तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। पहले इसका एंगल थीटा वन था, इस जगह से पहले इसका एंगल थीटा वन था, बाद में चेंज होके कितना हो गया, थीटा टू।
उसके बाद ये यहाँ पे आ गया तो अब एंगल कितना चेंज हो गया, थीटा टू। कोई दिक्कत? उसमें ये अगर बहुत कम डिस्प्लेस करे डी थीटा, कितना डिस्प्लेस करे डी थीटा, तो वर्ग भी क्या करेगा बहुत कम। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क डॉट डी थीटा होता है, फॉर्मूला नहीं पता जान लो ये होता है, ये तुमने रोटेशन में पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी थीटा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क डॉट डी थीटा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क आपको पता होना चाहिए पी साइन थीटा डॉट डी थीटा, इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट 0 से W, थीटा 1 से थीटा 2। बता देना कि हम ये लिमिट ले रहे हैं ये चीज़। आपका कोई किसी और का कुछ और मन करे तो वो अपना अपने अकॉर्डिंग करे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसको इंटीग्रेट कर दिया कंप्लीट W, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, पता है लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, थीटा 1 से लेके थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, अपर लिमिट रखे तो पी कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा 2 प्लस का कॉस थीटा। कोई दिक्कत आ गया, हो गया काम खत्म, लिखो जल्दी से। हाँ कितने नंबर का है, दो नंबर का है तो पूरा करना पड़ेगा। हो गया, नोट कर रहे हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लो प्रीवियस ईयर, हाँ चाहे वीडियो देख के करना, करना जरूर। नेक्स्ट देखो, फिर देखो पोटेंशियल का आ गया क्वेश्चन, इसकी पोटेंशियल लाइन अभी मैंने बताई है, ये हटाते हैं, ठीक है नोट कर लो इसको, पहले देख लो कि एक बार क्वेश्चन क्या था, कुछ और तो नहीं पूछा क्वेश्चन में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई पूछा, और कुछ पूछा भी नहीं, दो नंबर में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्ड टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी जेड डायरेक्शन ले लेते हैं। अच्छा हमेशा जेड ऊपर ही नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग समझदार हो ऐसे, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इधर, तो पोटेंशियल सरफेस बनाना है, इक्विपोटेंशियल दो, मैंने अभी इतनी देर से बताया है कि ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेंशियल आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ना। कोई दिक्कत इस पर, ठीक है हो जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत है क्या इस पर, बताएं सॉल्व कराएं, कहो तो बता दें एक बार, पहला क्वेश्चन आया है तो बता देते हैं। चलो देखो कुछ खाली स्पेस नहीं मिल रहा क्या, चलो यहीं बताते हैं, ये पार्ट अच्छा है, ये बार भी कराते पहुँचते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम हिंट कर देते हैं, अगर आप थ्योरी नहीं देखो तो ये थ्योरी का डेरिवेशन है, थ्योरी नहीं देखो तो पहले थ्योरी देखो उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पे एकदम पूरा डिराइव कराया है सही से कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि बार बार वही थ्योरी रिपीट करेंगे तो थ्योरी रिपीट होगी। चलो देखो यहाँ पे हम आपको ये समझाते, पहले हिंट कर देते हैं, बाकी तो कर ही लोगे। हमारे पास एक डाइपोल है, एक तरफ प्लस चार्ज और दूसरी तरफ माइनस चार्ज, ठीक, और इस जगह पे हम किसी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे नहीं ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो डाइपोल है तो डिस्टेंस 2L, सेंटर से डिस्टेंस L और L, कोई दिक्कत, सेंटर ऑफ डाइपोल से जितनी दूरी पर निकालना वो डिस्टेंस कितनी R, तो Q प्लस से डिस्टेंस कितनी R माइनस L, Q माइनस से डिस्टेंस कितनी R प्लस L, ठीक है। इसके बाद इसकी वजह से प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल V प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 K चार्ज Q, डिस्टेंस प्लस चार्ज की वजह से कितनी है R माइनस L, स्क्वायर नहीं लगाना ये पोटेंशियल में R ही होता है, और इसी तरह माइनस चार्ज की वजह से -1/4πε0 K Q / R प्लस L,
माइनस चार्ज की मैंने आपको पहले भी बताया, अगर चार्ज प्लस हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज माइनस हुआ तो पोटेंशियल निगेटिव, ठीक है। ठीक, नेट निकालना है तो अल्जेब्रिक सम कर दें, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू फर्स्ट वाला पोटेंशियल प्लस सेकेंड वाला पोटेंशियल। फर्स्ट वाला पोटेंशियल रखो, सेकेंड वाला पोटेंशियल रखो, सिमिलरली सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत बताओ। ये सॉल्व कर लेना, मैथ का काम है ये, चलो नोट करो। वन वन नहीं, पूरे हर एक क्वेश्चन का। हो गया, आने क्या फिर, चलो नोट कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत भाई, क्वेश्चन वेश्चन लिख लेना एक बार, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें सब आता है, आता जरूर है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लो, लिख लो तो पता है सब आता है। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, तुम्हें बस ये पहचानना है कि ये है क्या, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लिया गया और कुछ है ही नहीं। पहले तो पहला वाला पढ़े, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, देख लो। डिराइव इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, उसके पहले वाला जरा पढ़ो, इसके पहले वाले में क्या था, जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा जेड डायरेक्शन में ये इंक्रीज कर रही हैं, ठीक सही है। सुनो, अगर इस पॉइंट से क्या हुआ, चलो देखो यहां पे देखो, अगर ये इस तरफ कॉन्टिन्यू इंक्रीज कर रही हैं, ठीक, पहले यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे जाने पे थोड़ा बढ़ गई, फिर आगे जाने पे और बढ़ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सेम पोटेंशियल ही बनेगा इस जगह पे। आगे जाने पे अगर इंक्रीज कर रही, तुम इसी जगह से निकालना चाहते हो, अच्छा इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब समझ रहे हो, पोटेंशियल सभी जगह क्या हो सेम, तो यहां पर अगर इस तरफ जा रही तो यहां का पोटेंशियल इस जगह पे जो होगा, उसके आगे जाने पे ये पोटेंशियल सरफेस अलग होगा, इसके और आगे जाने पे तो इनके बीच की डिस्टेंस और क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ये कम हो जाएगी ये वाली। अच्छा तुमने एक फार्मूला पढ़ा है वो वाला, जिसमें गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते निकालते थे, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये केस बनता था जिसमें बराबर यूनिफॉर्म होती थी, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती थी। यहाँ पर अगर ये कॉन्टिन्यू इंक्रीज कर रही हैं, अगर ये लगातार बढ़ रही हैं, तो ये जो पोटेंशियल होगा इसके बाद वाले पोटेंशियल में, तो यहाँ पे इसको बराबर रखना है, बराबर रखना, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, किधर आ जाएगी, पहले आ जाएगी, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। यही लिखा है कि डी वन की जो डिस्टेंस है डी टू के कंपेरिजन, वो डी वन ज़्यादा है और डी टू क्या है, कम है, क्योंकि आगे जाने पे उसको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम पोटेंशियल लेके आना है, क्या लेके आना है, सेम पोटेंशियल। लिख लो ये बी वाला पार्ट, इसके बाद बी वाला पार्ट देखो जरा, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 माइनस ए, 3D है ये, थोड़ा सा ध्यान से समझना, और दूसरा है 0 0 प्लस ए,
तो हम कोशिश करते कि इसको जेड बना ले, या फिर इसको जेड ना बनाए, थोड़ी देर बनाना है तो बना भी लेते हैं, चलो ठीक है, और एक को एक्स बना लेते हैं, फिर वाई अंदर आएगा, एक पार्ट तो इनसाइड आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, चलो देखते हैं, बहरहाल आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर जीरो जीरो माइनस ए, तो यहाँ पे कौन सा रखा हुआ है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, जीरो जीरो, ये डिस्टेंस माइनस ए मान लो, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और जीरो जीरो प्लस ए उतना ही ऊपर, ये कौन सा रखा हुआ है, प्लस क्यू, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट जीरो जीरो प्लस माइनस जेड, अच्छा प्लस माइनस जेड है लिखा है ना, हाँ, और एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, तो ये ए है, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, टू ए। कुछ डाइपोल जैसा दिख रहा है क्या, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए, और ये पूछ रहे हैं प्लस जेड, प्लस जेड मतलब यहाँ पर, माइनस जेड, माइनस जेड का मतलब यहाँ पर, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जेड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इससे, अगर अंदर, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ आप लिख दीजिएगा डेरिवेशन में कि जेड जो है ए से बड़ा है, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, हमारे पास दो डाइपोल रखे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और इस जगह पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो कौन सा पार्ट हो गया, एक्सी एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल, तो कर ले जाओगे इसको। इसके बाद अच्छा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, चलो एक्स ये हो गया, वाई मान लो थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, एक्स ये है वाई ये है ऐसे आउटसाइड, तो एक्स कॉमा वाई मतलब x भी जा रहा है y भी जा रहा है, तो कहीं ऐसे इस जगह पे है, तो ये बताओ ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये कौन सी पोजीशन हुई, एकदम सेंटर पे है, ये भी याद रखना, क्योंकि z का कोई पार्ट इस पे नहीं है, बात समझ में आ रही है, तो इसके सामने अगर ऐसे कोई वैल्यू है ऐसे इस जगह पे, तो ये कौन सी पोजीशन बनी, ब्रॉड ऑन। अरे भाई यही तो होता है, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज, यही तो होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन, ये तो वही तो बन रहा है, कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे, बात समझ में, 3D है इसलिए थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, शायद इन्होंने इमेज ज़्यादा बढ़िया बनाई हो तो हम लोग देख लेते हैं, बहुत सही इमेज बनाई है, चलो देख लेते हैं, इस इमेज पे देख लेते हैं, ये प्लस और माइनस चार्ज, ये इनका एक्स डायरेक्शन जो कि आउटसाइड है, आउटसाइड द बोर्ड, और ये इनकी वाई डायरेक्शन, ये इनकी जेड डायरेक्शन, एक्स वाई बताओ अगर ये डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे बाहर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, अरे ऐसे ही समझ लो, ऐसे ऐसे केस में एक दिक्कत ये आ जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो इधर बनाओ, ऐसे समझ लो ऐसे, कि कौन सी पोजीशन हुई, ब्रॉड ऑन पोजीशन हुई ना, तो बस ये ब्रॉड ऑन पे निकालना, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, और ब्रॉड ऑन पे पोटेंशियल आता कितना है, जीरो, इक्विपोटेंशियल कितना आता है, चलो देख लो, पहले वाले केस में इन्होंने जेड जो डिस्टेंस मानी है वो क्या मानी है, जेड, और ये चीज़ शायद इन्होंने भले ही ना लिखा हो लेकिन आप जरूर लिख देना कि जेड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है ए से, अच्छा माइनस जेड पर भी निकालना था ना, और सो पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस एंड पोटेंशियल इज जीरो, बी वाले का पार्ट क्या है, द नेट पोटेंशियल इज जीरो, कोई दिक्कत यहाँ पे, एक बार देख लो, एक बार आप अपनी तरफ से देख लो, बस पहले तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमें एक इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनाना था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू था, तो और जीरो कॉमा प्लस माइनस जेड पे क्या निकालना था, पोटेंशियल। एक चीज़ ये भी देखिए, क्वेश्चन है कितने नंबर का, अगर 5 नंबर का है, 3 नंबर में तो हमें ऐसा लगता है कि आप पहला वाला कर लीजिए और दूसरा सिमिलरली लिख दीजिए, ठीक,
पहला वाला पार्ट ये देखो, ये कोई जेड पॉइंट है तो ये 2a भैया, अभी डाइपोल हमने बताया है, ये बस पोजीशन चेंज हो गई है। अभी तक हम ऐसे डाइपोल रख रहे थे ऐसे, अब इन्होंने ऐसे डाइपोल रख दिया, प्लस चार्ज ऊपर माइनस चार्ज ऊपर, एंगल चेंज कर दिया 90 डिग्री, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत। तो वन की वजह से पोटेंशियल, सेकेंड की वजह से पोटेंशियल, नेट निकाल दिया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना कि जे ए इज स्मॉलर देन जेड सो ए स्क्वायर इज कैंसिल, तो इन्होंने सिंपल एक वैल्यू निकाली है। अगर देखो इन्होंने प्लस जेड की वजह से पूछा है, किसकी वजह से इन्होंने निकाला है, कहाँ गया ये प्लस जेड है, प्लस जेड मतलब ऊपर, ऊपर कौन सा चार्ज है जरा देखो, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पोलैरिटी कैसी होगी, प्लस होगी, तो पोटेंशियल इसका जब ऊपर निकाल ले प्लस जेड की वजह से तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस का डाइपोल आएगा, तो देखो प्लस का आ रहा है, प्लस का पोटेंशियल आएगा, कहाँ है ये। जब माइनस जेड में नीचे जाएंगे तो कौन सा चार्ज रखा है, माइनस, तो वहाँ पे पोटेंशियल कैसा है, कोई दिक्कत बताओ, आ रहा है तुम्हें, हाँ अच्छा पढ़े हो तुम, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करियो, तुम कह रहे हो दोबारा पढ़ाओ, ला रहे तुम कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे, इस पे जीरो समझ आ गया कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, एक बार आप लोग इसको नोट कर लेना, इसे पॉज करके नोट करना अपना, ये रहा क्वेश्चन, ये डायग्राम, और इसके बाद ये उसका डेरिवेशन एक्सएल का, ये यहाँ तक, ठीक है, रोको इसे, हो गया। चलो इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है, ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। चलो देखो, कई इक्विपोटेंशियल हम सारे एक बार तुम लोग को बताए दे रहे, चार शायद पढ़ाए थे उस समय, थ्योरी में भी बताया था, यहाँ पर भी बताए दे रहे। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल ऐसा होता है ना, स्फेरिकल, कोई भी चार्ज हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्फेरिकल है, ठीक है। और डाइपोल की वजह से एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल ऐसे बनता है, बीच में एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनते है? क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो होता है तो सेम ही ना, जीरो होता है तो सेम ना, तो एक स्ट्रेट लाइन भी बनेगी ऐसे, ठीक। अभी हम दूसरा, ये डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से, दूसरा अगर दोनों प्लस चार्ज हैं, ये प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, वो चार्ज पे डिपेंड करेंगे कैसे चार्ज है, ठीक है। और अगर ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक यूनिफॉर्म है, तो फिर ऐसा कोई दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन यही था कि आपको डाइपोल की वजह से क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि ये बना हुआ है, ठीक ठीक उसके बाद देखो बी पार्ट में, डिराइव एन एक्सप्रेशन, हमें देंगे तुमको भी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपे, देखो पूछने का तरीका बदल जाता है बस, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कहीं इक्विटोरियल की बात की, कहीं एंड ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन बोला नहीं, फिर भी देखो तुम्हें अगर अकल है तो समझ में आ जाएगा, नहीं है तो फिर तो कहोगे कि ये क्वेश्चन कभी पढ़ाया नहीं। चलो देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो कि पहले चैप्टर का है, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट पी एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हो, पहले हम लोग एक लाइन बनाते थे फिर ऐसे करके एक बड़ी हो गया ऐसे करके एक ऐसे आर्क, एक ऐसे आर्क, उसके बाद नीचे भी ऐसे आर्क और ऐसे आर्क लगाते थे, याद है, तो एक लाइन बन जाती थी। और यहाँ पे चार्जेज हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आपको ये क्या समझ आ रहा है, कौन सी पोजीशन है, ब्रॉड ऑन पोजीशन या फिर इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत कराया, यहाँ पे देख सकते हो, बाकी करना अपना।
फर्स्ट चैप्टर पे कम से कम नहीं तो 6-7 बार तो यही क्वेश्चन आया था, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा था, वहाँ पे जाके देखो। ठीक है, पॉजिटिव है थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं, पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, निगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इनके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे। तो ई साइन थीटा इक्वल अपोजिट सो कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E कॉस थीटा, ई की वैल्यू रख देते हैं और सिंपल फार्मूला आ जाता है। ई की वैल्यू रख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस थीटा की वैल्यू रख दिए तो ये आ गया। ठीक है, एक चीज़ ये जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो पहले, ये आप देख लेना, ये डाइपोल जितने भी इक्विपोटेंशियल बनाए थे वो आप माइंड में रखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन और ये इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी बैटरी। देखो एक चीज़ और, अगर हमारे पास कैपेसिटर है, ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं, कहीं जगह है, पूरा नहीं हो पाएगा, चलो अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, ऐसे दो करंट पास करा सकते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। अगर हमने डीसी करंट सप्लाई की तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और कोई भी करंट इधर से उधर नहीं जाएगी, इधर निगेटिव हो जाएगा ड्यू टू इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इधर कौन से चार्ज आ जाएंगे, निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस का पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव एनर्जी, इधर निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर यहीं से हम एसी पास करें, ये हमने डीसी बैटरी से जोड़ा तो कुछ ऐसा बना, अगर यहीं पर हम एसी पास लगा दें, यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दें ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, तो क्या लगता है तुम्हें, करंट इधर एयर से पास हो जाएगी? इसमें क्या करंट इधर से इधर जा रही है, मतलब चार्जेस का फ्लो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में हो रहा है? नहीं। इसमें क्या होगा एसी करंट में? एसी करंट में चार्जेस का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये अभी जब इंडक्शन पढ़ाएंगे, इसको हम एक चैप्टर भी है तुम्हारा लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वहीं पे एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब एसी कैपेसिटर के बीच में लगाते हैं ना, तो करंट इधर से उधर क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और कभी अगर आप देखिए, अगर दो कैपेसिटर अगर आप इनको एसी सोर्स में लगा दें तो एक आवाज़ आने लगती है। अगर इन दोनों को हम एक डायरेक्ट एसी सोर्स में लगा दें, ऐसा लगता कि स्पार्किंग हो रही थोड़ी थोड़ी देर में। वो स्पार्किंग इसी वजह से, क्योंकि हमने लगाया किस में, एसी में। एसी में लगाने पे क्या हुआ, एसी में लगाने से ये हुआ कि चार्ज का फ्लो होने लगा, चार्ज का फ्लो होने लगा तो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग तभी तो होती है जब डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब इस वायर से इस वायर में करेंट पहुँच गई, ठीक, तभी स्पार्किंग होती है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, देख लो एक बार। एज सून एज वी कनेक्ट अ कैपेसिटर विद अ डीसी बैटरी, एसी बैटरी पे कॉन्सेप्ट अलग होगा, डीसी पे अलग, वन ऑफ इट्स प्लेट अटेन अ हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाली हायर पोटेंशियल, एंड अदर एंड ऑफ द प्लेट इज लोअर पोटेंशियल, दूसरी वाली किसमें होगी, लोअर पोटेंशियल। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप बिटवीन द प्लेट, भैया पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएंगी, पॉजिटिव की वजह से बाहर, निगेटिव की वजह से अंदर। V equals to ED. As V equals ED, the field grow in magnitude till the potential difference between the plate equal to applied potential. धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू होती हैं और उतना बढ़ जाती हैं कि जब पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर किस वाले फॉर्मूले से, V equals to ED. वो डिपेंड करेगी D पर भी और E पर भी, जितना हमने चार्ज दिया है, जितने सोर्स हमने उसमें लगाया। डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, दो प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस को डी बोला गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चार्ज ऑन कैपेसिटर कॉन्टिन्यूसली ग्रो,
इस प्रोसेस पर क्या होता है कि जो कैपेसिटर पे चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। यही था क्या, हो गया कंप्लीट? यही यहीं तक था बस, ये बी वाला पार्ट है। ये अभी थोड़ा सा लेंदी है और इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं, थोड़ा सा हम तुमको बताएंगे अभी आज के लिए। ये करो, ये यही क्वेश्चन कल फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, लेंदी चला जाएगा, इसलिए आज के लिए पॉज करें, ठीक है? अभी ऑफ कर रहे।